हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 मई और 9 मई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के क्रम पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो किस अभी आने वाले सभी परीक्षाओं और PSC प्री और व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके सभी टॉपिक्स जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके। तो किसी भी तथ्यों से और किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कल का प्रश्न है आपका, किस कैबिनेट में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड द्वारा, जो है उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा जो है इस योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, उत्तराखंड कैबिनेट ने विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, सरकार ने जो है छात्रों को टिकट और वीजा दिलाने में भी जो है मदद करेगी सरकार इसके तहत। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा ये मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना को। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। खुले में शौच मुक्त राज्यों में किस राज्य को सबसे पहले ODF प्लस राज्य का दर्जा मिला है? तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ को है, छत्तीसगढ़ को पहला सबसे पहले जो है ODF प्लस राज्य का दर्जा मिल चुका है। विस्तार में बात करते हैं, राज्य के 61 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9000 से अधिक स्वच्छता दीदी घर घर से जो है 1600 टन गीला और सूखा कचरा एकत्र कर रही हैं। रायपुर जो है लोगों को 24 घंटे पानी देने वाला राज्य का पहला शहर बनने जा रहा है, इसे भी याद रखिएगा। क्योंकि मैंने बताया कि हर टॉपिक को, हर तथ्य को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी तथ्य से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर तथ्य को पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलखंभ चैंपियनशिप में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो अभी जो है प्रदेश के 4 खिलाड़ी चयनित हुए हैं विश्व मलखंभ चैंपियनशिप में। विस्तार पर बात करते हैं, भूटान में आयोजित होने वाली द्वितीय विश्व मलखंभ चैंपियनशिप 9 से 12 मई तक आयोजित होगी। इसमें छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मलखंभ संघ छत्तीसगढ़ के महासचिव जो है डॉक्टर राजकुमार शर्मा को इंडिया का कोच भी बनाया गया है, याद रखिएगा। तो ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं, तो सभी तथ्यों को पूरा पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में लोगों के घर पानी पहुंचाने की निगरानी के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो इसका आंसर जो है, कौन सा ऐप जारी किया गया, जल क्रिया ऐप। आपको पहले बताया गया था प्रश्न में कि जल जीवन मिशन जो है चल रहा है, तो उसके तहत जो है जल क्रिया ऐप जो है लागू किया गया है। ठीक है, प्रदेश में CCJJM, ठीक है, यानी कि CGJJM है ये, छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के नाम से जो है पोर्टल और जल क्रिया नाम से जो है ऐप बनाया गया है। यह जल जीवन मिशन के काम की गुणवत्ता सुधारने के लिए तैयार किया गया है ये जो ऐप और पोर्टल है, और इससे जो है पेमेंट भी जो है इसी से ही किया जाएगा। ठीक है, 22 लाख परिवारों को जो है, राज्य के 22 लाख परिवारों को नल कनेक्शन पहुंचा है इससे, और जिसमें जांजगीर चांपा जो है राज्य के जिले जांजगीर चांपा जो जिला है राज्य में सबसे अधिक नंबर पर है, जो शीर्ष पर है। ठीक है, मतलब जांजगीर चांपा जिले में सबसे अधिक नल कनेक्शन पहुंचाए गए हैं, जिससे जांजगीर चांपा जो जिला है ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे किस तूफान का असर छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में दिख रहा है? तो इसका आंसर है मोचा तूफान। ठीक है, हाल ही में मोचा तूफान के कारण जो है कई असर दिख रहे हैं राज्यों में। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में उठ रहे मोचा चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 8 मई से कई राज्यों में 5 दिनों तक तेज हवा और बारिश की संभावनाएं हो सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर किस केंद्र सरकार द्वारा अगले गणतंत्र दिवस परेड में केवल किन प्रतिभागियों को शामिल करने का विचार किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में केवल महिला प्रतिभागी हैं जो अगले गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी, इस पर विचार किया जा रहा है मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं, 2024 की गणतंत्र दिवस की परेड में जो है शामिल टुकड़ियों झांकियों और प्रदर्शनी में केवल महिला प्रतिभागियों को शामिल करने का जो है मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से कर्तव्य पथ पर जो है निकलने वाली जो परेड में आंशिक रूप से महिलाएं शामिल होती रही हैं। ठीक है, अब अगले परेड में जो है ये विचार हो रहा है कि
पूरे परेड के पूरे टुकड़ियों और झांकियों और प्रदर्शनी में जो है महिला प्रतिभागी ही शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य एक नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत और किस देश के मध्य, तो यह है भारत और बांग्लादेश के मध्य नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, बांग्लादेश के सिलहट और मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों के बीच की सीमा जो है भोलागंज, जिसे कहते हैं बीच की सीमा पर भोलागंज में बॉर्डर हाट खोला गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन बांग्लादेश से इमरान अहमद और भारत के सहायक उच्चायुक्त नीरज कुमार ने संयुक्त रूप से किया है। ठीक है, यह सिलहट संभाग का चौथा बॉर्डर हाट है जहां भारत के 26 और बांग्लादेश के 24 स्टॉल होंगे। ठीक है, पहला जो है जो ये हुआ था हाट बाजार जो था बॉर्डर हाट जो था ये 2011 में मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में खोला गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि यह सिलहट संभाग का चौथा बॉर्डर हाट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीटों ने पुरुष और महिला वर्ग में नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसका आंसर है अविनाश साबले और पारुल चौधरी। विस्तार पर बात करते हैं, पुरुष और महिला वर्ग के 5000 मीटर में साबले और पारुल ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर लेवल इवेंट में साबले ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 13:19.30 का रिकॉर्ड बनाया है और पारुल ने जो है प्रीजा सीधरन का 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 15:10.35 में रेस पूरी की है और रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ट्रिपल जंपर, साथ ही याद रखिएगा कि ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने जो है क्यूबा में 17.37 जंप कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार द्वारा धूल प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार द्वारा। विस्तार पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गर्मी में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु कार्य योजना शुरू की है जिसका मुख्य लक्ष्य धूल प्रदूषण को कम करना है, जिसका दिल्ली में वायु प्रदूषण में मुख्य योगदान है। ठीक है, धूल प्रदूषण जो है दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, मतलब सबसे मेन कारण जो है वायु प्रदूषण का धूल प्रदूषण है। ठीक है, इसमें 30 सरकारी विभाग हैं, इस जो जो योजना बनाई जा रही है इस योजना में 30 सरकारी विभाग हैं और पेट्रोलिंग टीमों का भी गठन किया गया है इसके तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पेट्रोलियम के नए भंडार क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं? तो ये है राजस्थान। ठीक है, किस राज्य में जो है ये पेट्रोलियम के नए भंडार क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं? तो ये है राजस्थान में। विस्तार पर बात करते हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को पेट्रोलियम विभाग ने नए भंडार के रूप में जो है चिन्हित किया है, पेट्रोलियम का नए भंडार के रूप में चिन्हित किया है। देश में तेल का करीब 20% उत्पादन राजस्थान से हो रहा है और हालांकि देश में पेट्रोलियम की जितनी खपत है उसका केवल 16% ही उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश में किस स्थान में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने एक परियोजना के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की है? तो इसका आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में। विस्तार पर बात करते, भारत के श्रीनगर में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओफारेल की अध्यक्षता वाले बैठक में इतिहास में पहली बार यह घोषणा की गई है। प्रोजेक्ट रिटर्न टू रूट्स का उद्देश्य जो है स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक नया अवसर प्रदान करना है और इससे आदिवासी पृष्ठभूमि के स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने शिकायतों के समाधान के लिए किस रूम की स्थापना की है? तो इसका है आंसर रेल वॉर रूम की स्थापना की है रेल मंत्रालय ने। विस्तार पर बात करते हैं, लोगों की शिकायतों और परिवादों को तुरंत समाधान हेतु तुरंत समाधान करने हेतु दिल्ली में दिल्ली मंत्रालय में रेल वॉर रूम स्थापित किया गया है। भविष्य में किसी तरह की अप्रिय घटना पर नजर रखने के लिए रेलवे ने इस तरह का यह पहला कदम उठाया है। रेल वॉर रूम 2 मई को शुरू हुए रेल भवन के तीसरे तल पर बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा अभियान चला रही है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा अभियान चला रही है। विस्तार पर बात करते हैं, उत्तराखंड पुलिस के एक विशेष अभियान के अंतर्गत गंगा के तटों पर गुंडागर्दी और नशा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य राज्य में तीर्थ और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना है
और 29 अप्रैल से अब तक इस अभियान के तहत 2703 लोगों से कुल 7,03,850 रुपये जुर्माना के रूप में वसूला जा चुका है, और इसकी शुरुआत जो है 15 जुलाई 2021 में की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डिंग लिरेन। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। डिंग लिरेन ने रूस के इयान को हराकर कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है। डिंग को खेल के तेज प्रारूपों में इयान से अधिक रेटिंग मिली है, और उन्होंने 5 बार के चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन का स्थान जो है ले लिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि जो है याद रखिएगा कि मैग्नस कार्लसन हमेशा शीर्ष पर ही रहे हैं, उन्होंने अभी फिलहाल पांच बार के चैंपियन नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन है इनका स्थान लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नई इमारतों में गैस स्टोव के उपयोग में रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क जो राज्य है। विस्तार पर बात करते हैं, नई इमारतों में गैस स्टोव और अन्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग में रोक लगाने वाला न्यूयॉर्क पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। डेमोक्रेटिक द्वारा संचालित राज्य विधायिका में सांसदों द्वारा अपनाए गए कानून के लिए 3 साल के समय में घरों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने की आवश्यकता होगी, और इसका उद्देश्य जो है जो ये उपयोग में रोक लगाने वाला न्यूयॉर्क पहला अमेरिकी राज्य बन गया है, और इस रोक लगाने का जो उद्देश्य है न्यूयॉर्क की प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किनके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना होगा आपको, और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री और व्यापम जैसे अन्य क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज और डेली करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे अकेडमी अमर कॉम्प्लेक्स में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।